राजधानी रायपुर के कई बैंकों में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज की गई है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पूरे जिले के लिए कहीं भी नकली नोट पाए जाते हैं तो उससे संबंधित अपराध पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाती है, जिसके लिए यह नोडल थाना बनाया गया है। आपको बता दें कि 2020 और 2021 में विभिन्न बैंकों में शासकीय और प्राइवेट जो बैंक हैं वे भी शामिल हैं, उनके दिए अलग अलग पत्रों के माध्यम से थाना सिविल लाइन को सूचित किया गया था कि उनकी करेंसी चेस्ट में जांच के दौरान अलग अलग संख्या में प्राप्त हुए हैं। नोटों को कंबाइंड करने पर 4,76,000 के नकली नोट विभिन्न संख्या में पाए गए हैं, जिस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके द्वारा अलग अलग पत्रों के माध्यम से थाना सिविल लाइन को सूचित किया गया कि उनके करेंसी चेस्ट में जांच के दौरान अलग अलग संख्या में और विभिन्न श्रेणी के नोट नकली प्राप्त हुए हैं। उसको कंपाइल करने पे कुल मिलाकर के लगभग 4,76,000 के नकली नोट विभिन्न नोटों की शक्ल में पाए गए हैं, जिस पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 489A का अपराध थाना सिविल लाइन में कायम किया जाए करके।